आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राजलक्ष्मी पटनायक है। मैं सहायक शिक्षक LB हूँ। मैं शिक्षा के क्षेत्र में 12 वर्षों से काम कर रही हूँ। 12 वर्षों से मेरा अनुभव है। अतः मेरी शैक्षणिक योग्यता BSc बायो है और MA हिंदी पोस्ट ग्रेजुएशन और कंप्यूटर में मैंने PGDCA किया है। इसके अलावा मैं अभी MSc केमिस्ट्री में वर्तमान में कर रही हूँ। अतः मैं बताना चाहूँगी कि मैं सरगुजा ज़िले में पदस्थ हूँ। सरगुजा ज़िले के मुख्यालय अंबिकापुर ब्लॉक में लोधिमा गांव में शासकीय प्राथमिक शाला माझापारा में सहायक शिक्षक Grade LB के पोस्ट पर पदस्थ हूँ। जहाँ तक मैं कहना चाहूँगी कि मेरी सरगुजा ज़िले की विशेषता, मेरे सरगुजा ज़िले का गठन 1 जनवरी 1948 को हुआ। इस ज़िले का मुख्यालय अंबिकापुर है, जहाँ मैं पदस्थ हूँ। यहाँ 41 किलोमीटर की दूरी पर मैनपाट नामक का टूरिस्ट प्लेस है, जो बहुत ही विख्यात है, जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहते हैं। यहाँ काफ़ी दर्शनीय स्थल है, जो बाहर से टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ देखने के लिए। यहाँ पे दलदली क्षेत्र है, ठिंडिनी पत्थर है, जो YouTube में भी आ चुका है, न्यूज़ में भी दिखाया गया है। अतः बच्चों के बारे में यदि कहूँ तो मैं जहाँ पदस्थ हूँ वह ग्रामीण एरिया है। यहाँ कई चुनौतियों का सामना हमको इतने वर्षों से हम करते आए हैं। छोटे छोटे बच्चों में अक्सर मैं बच्चों को खेल खेल के माध्यम से, TLM के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, जिससे बच्चों में आकर्षण का केंद्र बना रहे, रुचिगत तरीके से पढ़ाई हो, जिससे बच्चे आगे बढ़े। इसी दौरान मैं अभी 1 वर्ष हो रहा है मुझे ZIIEI अरविंदो सोसाइटी के प्रशिक्षण में जुड़ने का एक अच्छा अवसर मिला, जिसमें मुझे लगभग प्रशिक्षण से मुझे और मेरे स्कूल के बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। अरविंदो के प्रशिक्षण व शून्य निवेश नवाचार से बच्चों को काफ़ी लाभ हुआ। इससे मैं और मेरे स्टाफ अंगनवाड़ी शिक्षा के तहत माताएं भी जुड़ी होती है, तो उन्हें हम लोग अरविंदो सोसाइटी के द्वारा प्रशिक्षण में जो भी हम सीखते हैं और जो नवाचार के बारे में हमको जानकारी मिलती है, और ख़ास करके शून्य निवेश नवाचार, जिसमें ना मतलब बिना लागत के आसपास के सामान को इकट्ठा करके, आसपास के दैनिक सामान को इकट्ठा करके हम क्या बना सकते हैं और उससे बच्चों को क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, यह हम माताओं को भी प्रशिक्षण में यह सारी बातें बताते हैं, ताकि माताएं जो हैं बच्चों से बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं और वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा बता सकते हैं और उससे बच्चे और आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार जो अपने बच्चों को भरपूर सहयोग करते हैं, और ये सब हमको अरविंदो सोसाइटी के द्वारा ही लाभ हमको मिल रहा है। अतः इससे बच्चों के स्तर और शाला के स्तर में काफ़ी सुधार आया है, जिससे हमारा शाला भी रोल मॉडल स्कूल में नाम में गिना जा रहा है, जो सिर्फ अरविंदो सोसाइटी के प्रशिक्षण के तहत। अरविंदो सोसाइटी का प्रशिक्षण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके लिए मैं ओम दुबे सर को भी सहृदय से अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगी और आप सभी को मेरा धन्यवाद।